नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैंसी शर्मा। और चले आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में, जहां मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव चुनावी प्रचार प्रसार आज करेंगे, जहां 3 लोकसभा क्षेत्रों का आज वे दौरा करेंगे। इनमें भिंड, गुना और ग्वालियर शामिल है, जहां आपको बता दें कि इन तीनों ही लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार को तेज करेंगे, जनसभा को भी यहां पर संबोधित करेंगे और अपने पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील करते नजर आएंगे। ग्वालियर में सीएम का मेगा रोड शो होगा, जहां बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वे वोटों की अपील करते नजर आएंगे। यानी कि ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, और ऐसे में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में बीजेपी चुनावी माहौल बनाती नजर आएगी। तो 3 ये लोकसभा क्षेत्र जिनका आज सीएम दौरा करने वाले हैं, गुना, ग्वालियर और भिंड। ये 3 लोकसभा क्षेत्रों में आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे, प्रचार प्रसार को तेज करेंगे, जनसभा करेंगे, रोड शो करेंगे। इसके अलावा पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील भी करते नजर आएंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज ये 3 अलग अलग जिलों के दौरे, जहां आपको बता दें कि भिंड, गुना और ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र पहुंचेंगे और यहां पहुंचने के साथ ही अपने पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील करेंगे, जनता से समर्थन की मांग करेंगे। तो लगातार चुनावी प्रचार प्रसार को तेज करती हुई बीजेपी अब रोजाना अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचकर अपने पार्टी प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील कर रही है। और इस बार चूंकि लक्ष्य भी पार्टी का ज्यादा है, अब की बार 400 पार का जो लक्ष्य पार्टी ने रखा है, अब उसी को हासिल करने के लिए लगातार पार्टी यहाँ पर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शबाना हमारे साथ जुड़ गई है। शबाना, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव 3 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे, इनमें गुना, भिंड और ग्वालियर, ये तीनों शामिल है। क्या उनका आज का रोड मैप रहेगा, क्या तैयारियां? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भिंड, गुना और ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। लगभग सुबह 11 बजे भिंड के लोकसभा के अटेर में जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर में 12 बजे के बाद गोहद में जनसभा को संबोधित करेंगे और 12:55 में दतिया पहुंच के भांडेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:10 पर ग्वालियर लोकसभा के पोहरी में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और दोपहर लगभग 3:30 बजे गुना में जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम को 7:30 बजे ग्वालियर में उनका एक बड़ा कार्यक्रम है, यहाँ वो रोड शो भी करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के 370 पार का जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है, वो कहीं ना कहीं यहाँ सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और मुख्यमंत्री खुद उसी कड़ी में लगभग हर दिन कहीं ना कहीं 3 से 4 लोकसभा सीट का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि तीसरे चरण का मतदान 7 मई को पड़ना है। ऐसे में उन सभी सीट को कवर करना है जिसमें तीसरे चरण का मतदान होना है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के आज कई सारे कार्यक्रम और यहाँ वो पार्टी प्रत्याशी से समर्थन जुटाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, यानी कि अपने पार्टी प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील तो की ही जाएगी, लेकिन शबाना, यदि हम इस पूरे क्षेत्र की बात करें, इस पूरे इलाके की हम बात करें, ग्वालियर चंबल चूंकि काफ़ी गर्म ये सियासत के लिहाज से कहा जाता है, काफ़ी हॉट सीट ये गुना हो जाती है, और अगर पूरे ग्वालियर चंबल की हम बात करें तो कई सारे दिग्गज बीजेपी के खुद इस ग्वालियर चंबल से निकल कर आए हैं। अब ऐसे में इस बार चूंकि अगर हम बात कर लें गुना, जिस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में खड़े हैं, गुना लोकसभा सीट की यदि बात करें तो शबाना, इस बार मुकाबला किस प्रकार से आप देख रही हैं, क्या समीकरण वहां देख रही हैं? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसके पहले चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था, लेकिन अब बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि उनको हार का सामना करना पड़ा था पिछली बार, लेकिन इस बार जो है लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट दे रहे हैं। तो ग्वालियर चंबल जो है बीजेपी का गढ़ है, काफी साल से बीजेपी वहां जीत रही, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलेगी, एक तो प्रधानमंत्री का चेहरा बहुत बड़ा है अपने आप में, और प्रधानमंत्री के चेहरे में पिछली बार भी लोकसभा का चुनाव लड़ा गया था जिसका परिणाम हम सब ने देखा ही था, लेकिन इस बार भी चेहरा प्रधानमंत्री का, ये लड़ाई भाजपा वर्सेस कांग्रेस नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री वर्सेस कांग्रेस है। तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना प्रदर्शन कर पाते हैं, हालांकि वो केंद्रीय मंत्री है, ऐसे में उनको बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फिर से उनको केंद्र में जाना चाहिए, केंद्र में शामिल होना, तो यहाँ पर शायद इसीलिए वो कड़ी मेहनत भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन ये जनता का फैसला ही आखिरी फैसला होता है और अब देखना होगा कि किस तरीके से जनता ने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो काम किया है उसको समझती है और फिर वोट देती है। बिल्कुल, देखने वाली बात रही, प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
अब उसी के तहत क्या परिणाम भी मिलेंगे उन्हें या नहीं मिलेंगे, खैर 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बनी रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे।